पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जहां देवेंदर बम्बीहा गैंग, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड से लगातार बदले की बात कर रहे हैं और ये बदले की बात करते करते करीब 3.5 महीने का वक्त गुजर चुका है, तो वहीं इस बीच में इन गैंगस्टरों के ऊपर बड़ी कार्रवाई भी हो रही है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से। लेकिन इन कार्रवाई और बदले की बातचीत के बीच में एक और बदले की खबर सामने आ रही है। दरअसल देवेंदर बम्बीहा गैंग एक बार फिर से जग चुका है और गोल्डी बराड गैंग को साफ साफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देकर ललकारने की कोशिश की है, धमकी दी है। और इस पोस्ट में लिखा गया है बम्बीहा गैंग की तरफ से कि गोल्डी बराड, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तू पंजाब में आ, वहाँ कनाडा में मत रह, पंजाब में आ, आमने सामने मिलते हैं, लड़ते हैं। जिसके बाद अब एक बार फिर से ये अंदेशा जताया जा रहा है कि पंजाब के अंदर हो ना हो बम्बीहा और गोल्डी बराड लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में एक बड़ी गैंग वॉर हो सकती है। हालांकि देवेंदर बम्बीहा गैंग की इस धमकी के बाद गोल्डी बराड का भी जवाब आया है। गोल्डी बराड ने क्या कहा है बताएंगे आपको इस वीडियो के अंत में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं रोजाना अपराध से जुड़ी हुई तमाम छोटी और बड़ी खबरें। तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जहां देवेंदर बम्बीहा, विकी गोंडर, कौशल चौधरी गुड़गांव या फिर नीरज बमानिया, टिल्लू ताजपुरिया जैसे तमाम बड़े गैंगस्टर जो बम्बीहा गैंग के सिंडिकेट में काम कर रहे हैं या फिर उनसे मर्ज होकर उनकी गैंग में काम कर रहे हैं, वो लोग लगातार सोशल मीडिया पर धमकी देते रहे हैं। लेकिन इन धमकियों के बीच में 3.5 महीने का वक्त गुजर चुका है। जहां बम्बीहा गैंग लगातार धमकी दे रहा है, तो वहीं गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई अपने हर कांडों को अंजाम देकर आसानी से निकल भी जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक जो खुफिया रिपोर्ट आई थी उसमें साफ तौर से कहा गया था कि पंजाब के अंदर इतने सारे गैंगस्टर इस वक्त हो चुके हैं और खास तौर से सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद तो हो ना हो पंजाब में बहुत बड़ी गैंग वॉर हो सकती है, लॉरेंस बिश्नोई की हत्या की जा सकती है। लॉरेंस बिश्नोई की हत्या का भी खुलासा हुआ कल जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 ऐसे शूटरों को पकड़ा जो नीरज बवानिया के नाम पर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग रहे थे। उन्हीं से पूछताछ के बाद ये मालूम चला कि ये दोनों ही बदमाश लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी नाम के गैंगस्टर को मारने की योजना बना रहे थे। बहरहाल इन सबके बीच में देवेंदर बम्बीहा गैंग ने एक बार फिर से जो सोशल मीडिया पर गोल्डी बराड को ललकारने की कोशिश की है या फिर उसे धमकी देने की कोशिश की है, उसमें साफ साफ उस पोस्ट में सबसे पहले लिखा गया है, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, 2020 में तेरे भाई गुरलाल बराड की हत्या हमने करवाई थी और हमने इसमें कुछ गलत नहीं किया था। आज तक देवेंदर बम्बीहा गैंग ने, यानी कि हमारी गैंग ने जो कुछ भी किया है वो सच सही किया है और हमने किसी बेगुनाह को नहीं मारा है, एक दो लोगों को छोड़कर। और अगर तू वाकई में अपने भाई गुरलाल बराड़ की हत्या का बदला हम लोगों से लेना चाहता है तो पंजाब आ, कनाडा में रहकर जिस तरह से तू बोलता है उससे कुछ नहीं होने वाला, तू अगर मर्द है, सच्चा मर्द है तो पंजाब आ और मिलकर आमने सामने लड़कर देखते हैं कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। हालांकि सिद्धू मूसेवाला के बारे में जिक्र करते हुए देवेंदर बम्बीहा के इस पोस्ट में लिखा गया है, तूने बिना वजह के पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, बेचारा एक बेगुनाह आदमी था, हमारा उससे कोई भी लिंक नहीं था, लेकिन तूने हमारा नाम उससे जोड़कर उसकी हत्या कर दी और इन सब बातों को दबाने के लिए तूने भिंडरा वाले का भी जिक्र किया, कौम पंथ का भी पूरा इस्तेमाल किया। गोल्डी बराड, तू वाकई में मर्द है, अपने भाई की हत्या का बदला हम लोगों से लेना चाहता है तो हम लोगों से आकर मिल और सामने सामने लड़ेंगे, देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। और जो तू सिद्धू मूसेवाला के पिता को लगातार जान से मारने की धमकियां दिलवा रहा है, तो याद रखना अगर सिद्धू मूसेवाला के पिता या माता या उनके आसपास के लोगों को कुछ भी हुआ तो याद रखना सबका परिवार पंजाब में रहता है। ये बातें देवेंदर बम्बीहा गैंग के सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखी गई हैं। देवेंदर बम्बीहा गैंग की तरफ से पोस्ट करने के कुछ ही समय के बाद गोल्डी बराड की तरफ से भी एक पोस्ट आता है जिसमें गोल्डी बराड बहुत ही शायराना तरीके से लिखता है, इस खामोशी की कुछ ना कुछ तो वजह होगी, भविष्य में हमारा नाम वो लोग बहुत जल्दी दोबारा से याद करेंगे। यानी कि गोल्डी बराड के इस 2 लाइन के शब्द में काफ़ी बड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं। गोल्डी बराड ने लिखा है, खामोशी बहुत कुछ इशारा करती है, यानी कि इस समय गोल्डी बराड खामोश बैठा है, देवेंदर बम्बीहा गैंग के इस पोस्ट की, इस धमकी का जवाब वो नहीं दे पा रहा है तो उसने इस बात को लिखकर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश की है कि खामोशी कुछ ना कुछ इशारा करती है, हमारा नाम भविष्य में उनको एक बार फिर से परेशान करेगा। यानी कि सिद्धू मूसेवाला के पिता को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। बहरहाल इन सबको देखते हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की जब भी कोर्ट में पेशी होती है तो उनकी सुरक्षा काफ़ी मुस्तैद कर दी गई है, उन लोगों को जहां भी करण में रखा गया है वहां भी सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद की कर दी गई है।
क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि देवेंद्र बंबीहा अगर बदला लेगा तो यहाँ पर जग्गू भगवानपुरिया है या फिर लॉरेंस बिश्नोई है या फिर उसके गैंग के तमाम वो गैंग के बदमाश हैं जिनसे वो बदला ले सकता है या फिर जो शूटर इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे। कि देवेंद्र बंबीहा गैंग की तरफ से जो धमकी दी गई उसमें साफ साफ लिखा है कि हम किसी निहत्थे पर या फिर हमसे किसी की अगर दुश्मनी नहीं है तो हम उसे नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, हम वाहेगुरु पर विश्वास करते हैं और उन्हीं के हम सच्चे अनुयायी हैं, सच्चे भक्त हैं। तो गोल्डी बराड़, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तू आ, तुझे से हम बदला लेंगे, लॉरेंस बिश्नोई से लेंगे, जग्गू भगवानपुरिया से लेंगे। बहरहाल इन सबको देखते हुए काफ़ी सुरक्षा एजेंसियाँ अलर्ट हो चुकी हैं, जो खुफिया तंत्र है पंजाब पुलिस का वो भी एक्टिव हो चुका है और किसी भी तरह के गैंगवॉर को रोकने के लिए अब हर संभव पर युद्ध स्तर पर कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी ये गैंगस्टर जिस तरह से कहीं ना कहीं वारदातों को अंजाम तो दे ही डालते हैं, देखना अहम होगा कि इन धमकियों के बीच में, इन गैंगवॉर की आशंकाओं के बीच में पंजाब के मुख्यमंत्री अपराध पर कंट्रोल करने में कैसे कामयाब हो पाते हैं और जिस तरह से पंजाब आज के मौजूदा वक्त में अपराध की दुनिया के लिए जाना जाने लगा है, उस पंजाब की छवि को सुधारने के लिए अब पंजाब के मुख्यमंत्री या पंजाब पुलिस प्रशासन, पंजाब की पूरी पुलिस फोर्स कैसे इन गैंगस्टरों का सफाया करने में या फिर इन गैंगस्टरों के बढ़ते गैंगवॉर को रोकने के लिए अपने ठोस कदम उठाती है। इस खबर पर आप अपने जवाब जरूर दीजिएगा। और एक बात का जवाब और हम आपसे चाहेंगे कि बंबीहा गैंग 3.5 महीने से लगातार धमकी पे धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई या फिर गोल्डी बराड़ गैंग जिस तरह से चुपके से अपने वारदातों को अंजाम देकर निकल जाता है, तो क्या इस बार जो धमकी दी जा रही है तो क्या बंबीहा गैंग वाकई में अपनी धमकियों पर खरा उतर पाएगा या फिर पुलिस उसके हर उस इरादे को तोड़ देगी जो उसने सोशल मीडिया पोस्ट में ये बातें कही हैं। फिलहाल अपने जवाब जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़ में। नमस्कार।